वरिष्ठ नेता आदरणीय बलवंत सिंह भौरियाल जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन बसंती देवी जी, कपकोट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश गढ़िया जी, श्री कुंदन सिंह परिहार जी, पुष्कर काला जी, और अभी अभी जिन्होंने अपने सभी साथियों के साथ देहरादून में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और पार्टी नेतृत्व के सामने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। पहले जो यहाँ के प्रत्याशी रहे हैं भाई श्री रंजीत दास जी, इनका भी पार्टी में बहुत स्वागत है। आपने भारतीय जनता पार्टी सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। हमारे गंगोली हाट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय फकीर राम जी, नैनीताल क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक बहन सरिता आर्यन जी, हमारे रानीखेत क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रमोद नैनवाल जी, मीना गंगोला जी, श्री सुबोध शाह जी, शेर सिंह गढ़िया जी, हमारे पूर्व विधायक हेमा बिस्ती जी ब्लॉक प्रमुख, पुष्पा देवी जी ब्लॉक प्रमुख, भाई गोविंद दानू जी ब्लॉक प्रमुख, जेसी आर्य जी, दीपा आर्य जी, श्री मथुरा प्रसाद जी, घनश्याम परिहार जी, संजय परिहार जी, दयाल कांटपाल जी, राजेंद्र राठौर जी, पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह जी, तल्ट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई महेश सिन्हा जी एवं मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी अल्मोड़ा के अध्यक्ष आदरणीय रमेश बहुड़ा जी एवं यहां पर मंचा सिंह, सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी आए हुए जनप्रतिनिधिगण इस कार्यक्रम में दूर दूर से आए हुए हजारों हजारों की संख्या में आज एक तरह से स्वर्गीय चंदन रामदास जी को अपनी श्रद्धांजलि और समर्थन पार्वती जी को देने के लिए, चंदन जी की पार्वती जी को देने के लिए बड़ी संख्या में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहने, सभी मेरे नौजवान साथियों, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत के सदस्य, हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम प्रधानगण एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडलों से आए हुए पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज आदरणीय चंदन रामदास जी को अपनी भावभीन श्रद्धांजलि देता हूं कि उन्होंने लगातार इस क्षेत्र में अनेकों अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम किया। बागेश्वर विधानसभा से वो चार बार विधायक रहे, कैबिनेट में मेरे सहयोगी रहे और जिस प्रकार से इसी मैदान में इस आम चुनाव से पहले हम लोगों ने एक बड़ी रैली यहां पर उस दिन चुनाव से पहले की थी। मुझे याद आ रहा है कि उस समय हम लोग आप सबके बीच में आदरणीय जनरल रामदास जी के लिए आपका समर्थन मांगने के लिए आए थे, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आए थे, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी हमारे बीच से चले जाएंगे और फिर से आप सबको एक बार यहां पर फिर से उनको श्रद्धांजलि और उनकी चंदन जी की पार्वती, उनको अपना समर्थन, अपना मत, अपना आशीर्वाद देने के लिए आना पड़ेगा। भाई बहनों, आज विश्वास नहीं हो रहा है कि चंदन जी हमारे बीच में नहीं है। उनका इस प्रकार से एकदम से हमारे बीच से चला जाना, ये केवल एक परिवार की क्षति नहीं हुई, पूरे बागेश्वर की क्षति हुई। इस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले अनेकों अनेकों लोग जो उनको प्रेम करते थे, उनके सपनों को आगे बढ़ाने का काम करते थे, उनको बहुत आघात लगा, बहुत धक्का लगा
एक असमय ही उन सबके लिए भी एक ऐसी घड़ी आ गई जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था, भाजपा परिवार के लिए। और मैं कहूंगा कि व्यक्तिगत मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति थी, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा अपने छोटे भाई की तरह से माना। मैं मुख्य सेवक के दायित्व में था, लेकिन हमेशा से वो मेरी भी अत्यधिक चिंता करने का काम करते थे। भाइयों बहनों, जब भी उनका स्मरण आता है मैं भूल नहीं पाता हूं किस प्रकार के वो जिंदा दिल इंसान थे। वे अपने नाम के अनुरूप जीवन भर चंदन की तरह अपने विचार, उनका जो विनम्र आचरण था, जो लोगों से मिलने जुलने का स्वभाव था, एक सरल सहज उसकी जो खुशबू थी वो हमेशा फैलाते रहे और राम के अनुरूप मर्यादापूर्ण आचरण करते रहे। और उन्होंने हमेशा, चाहे वो विधायक रहे, चार चार बार विधायक रहे, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा एक बात को प्राथमिकता दी कि वो बागेश्वर के लोगों के लिए हमेशा दास बनकर उनकी सेवा करते रहे। भाइयों बहनों, मैं कह सकता हूं उनके अंदर किसी प्रकार का कोई उनके अंदर अहंकार नहीं था, कोई घमंड नहीं था, कभी इस प्रकार की चीज उन्होंने दिखाई नहीं। विनम्रता उनकी पहचान थी। आज मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं, इस हजारों हजारों की संख्या में जो आप आए हैं, मैं एक बात तो मेरे मन में कोई संदेह नहीं बचा कि जिस प्रकार का प्रेम, जिस प्रकार का आज इस उपचुनाव को लेकर आपके मन में जो भाव आपके मन में है, उसको यहां पर देखने के बाद, आप सबके चेहरों को देखने के बाद, और मैं पूरे रास्ते पर जब आ रहा था लोगों को देखने के बाद, मैं कह सकता हूं कि ये 5 तारीख को होने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव का फैसला आज ही आपने कर दिया है। और एक बार फिर से आप यहां से सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। आप एक नया कीर्तिमान इस विधानसभा का बनाने वाले हैं। आप सच्ची श्रद्धांजलि स्वर्गीय चंदन रामदास जी को देंगे और पार्वती जी को आप देख रहे होंगे कि वो बोलते बोलते इतनी भावुक हो गई, इतनी भावुक हो गई कि वो अपने अपनी बात भी पूरी नहीं कर पा रही थी। भाइयों बहनों, एक पीड़ा अपने पति को खोने की, जीवन साथी को जाने की, उनके तमाम सपने जो रुक गए, रास्ते रुक गए, उन सबको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने उनके कंधों पर आ गई। इसलिए ये जिम्मेदारी, मैंने कहा, मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि आप हिम्मत करिए, आप अकेली नहीं है, ये हजारों लाखों लोग आपके पीछे खड़े हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, बागेश्वर के लोग खड़े हैं, उनके सारे कामों को आगे बढ़ाएंगे। हम जितने भी स्वर्गीय दास जी ने जो काम थे, उन सबको मिलकर हम सबको आगे बढ़ाना है। चंदन रामदास जी चाहते थे यहां पर बहुत सारे काम हो, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। भाइयों बहनों, आज वो हमारे बीच में भले ही ना हो, लेकिन उनके बताए गए मार्गों पर चलकर हमेशा बागेश्वर क्षेत्र की जनता के लिए आगे बढ़ चढ़कर हमको काम करना है। बागेश्वर के चहुंमुखी विकास के लिए आपने रिकॉर्ड मतों से विजय बनाकर कि एक सच्ची श्रद्धांजलि एक नेता के लिए, एक सेवक के लिए जो होती है वो हम सबको देनी है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से अभी हमारे सांसद अजय टमटा जी कह रहे थे यहां पर कि चंपावत में उपचुनाव हुआ, चंपावत के उपचुनाव में चंपावत के लोगों ने 94% मत देकर एक तरफा मतदान दिया, एक तरफा समर्थन दिया, एक तरफा आशीर्वाद दिया और भारी मतों से विजय बनाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग भी पार्वती जी को अपना सहयोग एवं समर्थन देकर एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, एक और जहां आज हमारी सरकार
जितने भी अभिषेक सिंह मिश्र जी यहां से बोल रहे थे, जितने भी यहां के स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने जितने भी प्रस्ताव सरकार में दिए हुए थे, जितने भी कामों को उन्होंने आगे बढ़ाया था, हमने कोशिश करी है कि ये जो उनके दिवंगत होने के बाद जब से वो हमारे बीच से चले गए, उसके बीच से लेकर कितने दिन तक चुनाव आचार संहिता नहीं लगी, हमने एक एक काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं आज चुनाव में आप देख रहे होंगे, तमाम प्रकार के लोग आ रहे हैं, तमाम प्रकार के विपक्षी दल खड़े हो रहे हैं, जिन्होंने कभी कोई काम नहीं किया अपनी सरकार रहते हुए, वो गिना नहीं सकते चार काम कि हमने कौन से काम किए हैं, वो केवल विरोध करने के लिए खड़े हो गए हैं। भाइयों बहनों, उनको केवल वोटों से मतलब है, वो केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उन्होंने विकास की राजनीति कभी नहीं करी है। उनके इतिहास से आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी नीति और नियत में कितना बड़ा खोट है। ये लोग चुनाव के समय में किसी हद तक चले जाते हैं, किसी प्रकार के झूठे वादे करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे ग्राम सभा का विकास हो, चाहे समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति का विकास हो, अंत्योदय को भाव को लेकर अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए काम किया है, और उन्हीं के इस मंत्र को आत्मसात करते हुए हमने उत्तराखंड के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में देवभूमि के लिए अनेकों विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार, भारतीय जनता पार्टी का अर्थ है लैंड जिहाद, लव जिहाद, अतिक्रमण, इन सब से मुक्त कराना, सरकारी भूमि को मुक्त कराना, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है पहाड़ों में आप देख रहे होंगे रेल जा रही है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल जा रही है, और वो दिन दूर नहीं है जब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल की तरह ही, अभी एक बहन यहाँ पर अपना ज्ञापन मुझे दे रही थी तो कह रही थी कि कब ये काम होगा, मैंने उनको कहा जिस प्रकार से कर्णप्रयाग तक ऋषिकेश से रेल जा रही है, वो दिन दूर नहीं है जब सर्वे का काम पूरा हो गया और बहुत जल्दी जो है कनकपुर से बागेश्वर भी रेल आएगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका भी जो है हल्द्वानी से उन्होंने इसका उद्घोषण किया है। भारतीय जनता पार्टी का अर्थ है भाइयों बहनों, ये कहना चाहता हूं मैं आपसे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण समय में चुनाव हो रहा है और चुनाव हमारे सामने असमय ही आ गया है, कोई नहीं चाहता था चुनाव हो, लेकिन चुनाव आ गया, तो भारतीय जनता पार्टी का अर्थ यह भी है कि हमारे नौजवानों का, युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना और प्रदेश के अंदर नकल के खिलाफ अभियान चलाना। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का अर्थ यह भी है देश के अंदर एक समान कानून लाने के लिए सबसे पहले पहल करने वाला राज्य उत्तराखंड आपका प्रदेश। इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारा हमको आशीर्वाद देकर उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक दल को दूसरी बार लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया, किसी पार्टी को दोबारा सरकार में आने का अवसर प्रदान किया। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है देवभूमि में भू कानून का रास्ता साफ करने का व्रत। भारतीय जनता पार्टी का अर्थ है कश्मीर के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त होना। भारतीय जनता पार्टी का अर्थ है उस भगवान जो यहां से सरयू निकलकर अयोध्या जाती है, भगवान राम लला की जन्मभूमि में भव्य और दिव्य मंदिर बनना भारतीय जनता पार्टी का अर्थ है। भाई भारतीय जनता पार्टी का अर्थ है नए भारत का निर्माण, उत्तराखंड का सपना साकार करना। अगर मैं कहूंगा तो इसमें कोई अतिशक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, आज स्वर्गीय चंदन रामदास जी के सपनों को साकार करने के लिए इस चुनाव में
बागेश्वर में भारतीय जनता पार्टी की जीत ही नहीं, एक बड़ी जीत, एक रिकॉर्ड जीत। आप सबके आशीर्वाद से यहाँ पर आज उत्तराखंड के लिए भी जरूरी है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से चंद्र रामदास जी का स्वभाव था, मैं जितनी बार वो बीमार हुए हर बार मैं उनसे कहता था कि आप मुझे बहुत परेशान करते हो, आप मुझे बहुत परेशान करते हो। आपको जब जब मैं देखता हूं कि आप अस्पताल में भर्ती होते हो तो मैं सो नहीं पाता, मुझे इतनी बेचैनी होती है, आप ऐसा क्यों करते हो। बोले नहीं, आप चिंता मत करिए, मुझे कुछ नहीं होगा, हमेशा यही कहते थे और मुझे ढांढस बताते थे। भाई बहनों, एक बार इस बार तो क्योंकि एकदम से जैसे ही फोन आया उसके एक घंटे बाद ही पता लगा कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन पहली बार जब वो विधानसभा में आए थे उन्होंने अपना पूरा भाषण किया और भाषण करने के बाद अस्पताल में भर्ती हो गए। मैं वहां मिलने गया तब भी बोले, जबकि डॉक्टरों ने कहा बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। मैंने कहा क्या करना होगा, उन्होंने कहा इनको आप दिल्ली लिफ्ट करवा सकते हैं तो दिल्ली लिफ्ट करवाई है, ये भी बैठेंगे हमारे सौरभ बहुरा। तो हमने डॉक्टरों से बात करी, एयर एम्बुलेंस की बात करी, उन्होंने कहा जब तक थोड़ा स्टेबल नहीं हो जाएंगे थोड़ा हम दवाई लगा देते हैं, थोड़ा ठीक हो जाएंगे, उसके बाद आप दिल्ली ले जाइए। फिर मैं उनसे दिल्ली मिलने गया, यहां से भेजा उनको, तब भी उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे क्षेत्र की जितनी योजनाएं मैंने दी हैं, एससीबी के जितने काम दिए हैं उनको जल्दी से जल्दी करवा दो। यानी कि उनको अगर चिंता किसी बात की रहती थी, वो मंत्री पूरे प्रदेश के थे, मैं कई बार मजाक भी उनको करता था, अरे भाई विधायक से अब आप मंत्री हो गए हो, आपको पूरे प्रदेश की चिंता करनी है। बोले मैं पूरे प्रदेश की चिंता कर रहा हूँ लेकिन मेरे बागेश्वर की चिंता आप कर देना, हमेशा ये कहते हैं। भाइयों बहनों, चंद्र रामदास जी के मार्गदर्शन में हमने बागेश्वर की जनता के लिए अनेकों कार्य यहाँ के लिए किए हैं। इसमें हमने खोली में खेल स्टेडियम का निर्माण किया था, निर्माण का निर्णय लिया था जिसकी डीपीआर तैयार हो गई है। बागेश्वर में यहीं पर अभी मैं आ रहा था तो रोडवेज का बस इसका रोडवेज कार्यशाला, रोडवेज को पेट्रोल पंप का निर्माण कार्य प्रगति पर, खोली में 100 बेड में क्रिटिकल यूनिट के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था को अभी तक धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। भाइयों बहनों, उन्होंने इस विधानसभा के लिए हमेशा पेयजल की समस्या के लिए वो चिंतित रहे थे, जब भी मुझे मिलते थे पेयजल की समस्या को दूर करने की बात करते थे। हमने इस समस्या को दूर करने के लिए जेघाई पंपिंग योजना, मंडल सेरा पेयजल योजना, कौशाली पेयजल योजना का निर्माण कराया है, साथ ही खरई पेयजल योजना का पुनर्गठन हुआ है, करमोली पेयजल योजना का निर्माण का कार्य प्रगति पर है, काश्तकारों की सुविधा के लिए पटना लिफ्ट सिंचाई योजना, रामपुर लिफ्ट सिंचाई योजना, डाक लिफ्ट सिंचाई योजना, घिपोली लिफ्ट सिंचाई योजना, कोटू लिफ्ट सिंचाई योजना, अड़ाम लिफ्ट सिंचाई योजना, बिलोना लिफ्ट सिंचाई योजना, चरसो घिपोली सिंचाई पंप योजना जैसी 8 महत्वपूर्ण सिंचाई लिफ्ट योजनाओं का निर्माण कराया है। राज्य योजना के अंतर्गत लगभग 100 करोड़ की लागत से सड़कों का डामरीकरण व अन्य निर्माण कार्य कराए हैं। उनका एक और सपना था कि जो बागनाथ की भूमि यह भी हरिद्वार और काशी की तर्ज पर विकसित हो, इसके लिए हमारी सरकार विशेष रूप से अलग से भी कार्य योजना हम बनाने वाले हैं। सीवर लाइनों का निर्माण हो या महाविद्यालय की स्थापना हो, बागेश्वर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, वो सभी चाहते थे। इन सभी कार्यों को अब जिम्मेदारी जहां आपने चंदन जी की पार्वती को पार्टी ने खड़ा किया है, आप सबका आशीर्वाद चाहिए, वो निश्चित रूप से इन कामों को आगे बढ़ाएंगी। उनकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारे सभी प्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है और आप सबकी जिम्मेदारी है। आप सब लोग 5 तारीख को बड़े बहुमत से जब इनको यहाँ से निकालकर भेजेंगे तो निश्चित रूप से सारे काम होंगे। भाइयों बहनों, आज यहाँ पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप सबके बीच में काम करना हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। इस पवित्र भूमि पर काम करना और आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चहुंमुखी विकास हो रहा है, तमाम योजनाएं
हम बना रहे हैं उन योजनाओं को धरातल पर उतार रहे हैं, जिन योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, जिन उन योजनाओं का हम लोकार्पण भी कर रहे हैं। अनेकों कार्य हमने कम समय में यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर किए हैं। चाहे आज गरीब परिवारों को, पूरे देश के अंदर पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ हमने एक साल के अंदर 3 गैस के सिलेंडर निःशुल्क देने की हमने घोषणा की थी चुनाव से पहले, उस घोषणा को भी धरातल पर उतारा है। गरीब परिवारों को 1,81,000 परिवारों को हम सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं। हमारी मातृशक्ति में देखता हूँ, हमारी माताएं बहनें किसी भी कार्यक्रम में हम लोग रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है, बड़ी संख्या अगर किसी की होती है तो हमारी माताओं बहनों की होती है। मैं उनको नमन करता हूँ, इससे माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से 30% का क्षतिज आरक्षण भी हमने सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित किया है। इसके लिए भी हम विधेयक लेकर आए हैं। धर्मांतरण का कानून बनाना हो, लैंड जिहाद, लव जिहाद को रोकना हो, देश का सबसे कड़ा कानून नकल का बनाना हो, आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो, उच्च शिक्षा या विद्यालय शिक्षा में छात्रवृत्ति देने का मामला हो, ये सारे ही हमने कदम जो लंबे समय से रुके हुए थे इन सभी को उठाया है। पर्यटन को लेकर हमने पर्यटन की नई नीति बनाई है,